अभी मरूंगा नहीं, मैं 1000 काफी दे देती सर। तो माँ के नाम पर नहीं दे, फिर जाइए खाए पीजिए, पर नॉर्थ मार चल गए। अब चौथे बात में सिर्फ बात जाना है, अब उसको चौथे बात क्या करोगे, चौथी बात एक दो बात आज पैसे लाख देने वाला है और उसने कहा है कि तुम्हारे जो भी कर्जा हो आप चुका दो। हैदराबाद का व्यक्ति मिल गया है और वो 5000 रुपए मिल गया है, तुम्हारा 1500 रुपए करता है, 2000 रुपए करता है, 2200 रुपए ब्याज। मैं जोड़ नहीं बोलता, बेईमानी में नहीं कर सकते, उन्होंने ब्याज नहीं लोगों से, मैं कर्जा हफ्ते नहीं ब्याज तुम्हें दूंगा। और ये हैदराबाद जाके आने में 1000 रुपए खर्चा हो जाता था, बस ये गड़बड़ है। और वहां नहीं जाऊंगा, तुम्हारा कर्जा रह जाएगा, अब या तुम्हारा बाकी रह जाएगा, अब मैं कहां चला सकूंगा, या फिर तुम थोड़ी हेल्प कर लेगा, मैं हैदराबाद जाकर के ले आऊं, फिर तुम्हारा चुका दू ब्याज समेत, और मैं फिर मरते समय दुख नहीं दे, बस ये समझे। और नहीं ये तेरे पैसे डूबे, पैसे डूब जाएंगे, 1000 रुपए में 2000 और वापस आ जाते हैं, ये सारा ऐसा ही सारा दीवार नजर आ रहा है। एक बार इस और देख लो, एक बार इसको देख लो, ये भगवान की सोन खा रहा है, ये कृष्ण भगवान, ये हनुमान जी, ये महावीर की सोन खाऊ, सोन खाने से हनुमान जी के लगाते हैं, तो 1000 रुपए तुम्हें दे रहे आराम से, पंद्रह बीस दिन गुजार रहे, फिर वापिस उसी से कर्जा ले रहे। अब मैं तो एक से हिसाब चला रहा हूँ तुम्हारा, दूसरे से फिर दूसरा ये तरीका समझ गया करता मैं, फिर आप जाओगे तो तुम जाओगे। उसने कहा कि अब दुनिया में रहने लायक दुनिया नहीं है, ये दोस्त दोस्त तो ही रहा है, विश्वास ग्राहक जैसी कोई चीज नहीं। उस हैदराबाद वाले ने बुलाया और मैं गया और मना कर दिया सारे ने। अब बताओ है? ये आज घर में आटा नहीं है, पत्नी कल से भूखी है, बच्चे कल से भूखे तड़पा रहे हैं, और भूतला मरेंगे, मतलब तुम मरेंगे तो मरेंगे, अब किसके पास जाऊंगा, और देखा मुझे कौन। और ऐसे दोस्त ये हैदराबाद वाला जिसने मुझे विश्वास दिया, एक तुम दोस्त जो कुछ बोलते नहीं, आज मांगूंगा तुम 500 रुपए मना नहीं करोगे, ये भरोसा नहीं है। मेरे पत्नी का दुख तुम नहीं देख सकते, बच्चों को बिलकता तुम नहीं देख सकते, और रोने लग गया थोड़ा, और 500 रुपए दे देगा, और तुम्हें 2500 रुपए का जैसे हिसाब दिखा दिया, और तुम्हारी योग्यता आगे बढ़ते रहे। ये भी हमारे ऋषि थे जिसको चार बात कहा गया, ऋणम तत्वा गंभेश बसि भूत से देश्य उदनागम, जो मिल जाए खाया पिया कर दिया। अब अस्त्र मिल गई, पत्नी को सीधा पत्नी वाले कहा है महाक्रूर महादंत वही साक्षी भैरवी तथा महाक्रूर, ऐसी क्रूर को शामिल होती है, और से मुझसे बहुत नाराज है, देखो जी आप मतलब हमारे बारे में बोलती रहती है, पुरुषों के बारे में बोलती रहती है, पर मैं क्या करूँ, कभी ये सूर तुलसी सब उसी बारे में बोलते हैं, मैं क्या करता हूँ, मगर पुरुष तुमसे भी खराब गड़बड़ जाए, सब ये सब गड़बड़ है, तुम बहुत देवी हो, योग्यता हो, तुम्हारे बहुत तुम महान हो, ये सब खराब है, 100% खराब है, मैं क्या कर सकता हूँ, फिर समझा लेता हूँ। पत्नी बारे में चार आपने क्या कहा, पति बारे में कहा होगा, मुझे शोक याद नहीं, तो मैं पति है अपने बारे में पूरे नहीं कर सकता। चिंता ये दिखती हुई मेरे ऐसी फेंके सीधा निशा ना लगे, तो अर्जुन का निशाना चुके पर उसका निशाना नहीं चुके, रात में नींद आ जरूर जगा कर उठो उठो, अरे सो पेट में बहुत दर्द है, अरे मुझे अभी तो नींद आई है, तुम्हें नींद आ रही है, मुझे पेट में दर्द, पेट का दर्द दुनिया को डॉक्टर बताएंगे, पेट के दर्द आम का दिमाग का सिर का दर्द, पेट में दर्द के बाद अभी कोई इंजेक्शन नहीं हुआ है कि नहीं, पेट का दर्द चूड़ मिले गोल मिले, तो मैं इंगा का चूड़ की पड़ी यहाँ पेट में दर्द, गर्म पानी का खेला, तो गर्म पानी का और गर्म पानी नहीं, मैं ऐसा करूँ कि तेल लाओ नान के फिर नान के रात मिली रात के रहा, तो गंगा मुझे नींद आ रही है, मतलब नींद जगह दिया कुछ बात हो जाए, फिर दो घंटे बाद फिर जगह उसने कहा कि मैं कितने जगह चाहे तेरे साथ खाए, अब मैं अंदर से मर रही हूँ, अब सिद्ध भी होने लगे, तो नित नवीन बीमारियां बचा दे वह चार बातें, और छठा अपने पति होना चाहिए कि बराबर पति को टोंचती रहे हर बात में गुस्सा निकालती रहे, ये गलत है, ये भी गलत है। 6 बजे छुट्टी हो गई थी, 7 बजे आए हो,
मैं तो जानती हूँ कहाँ जाऊंगा, ऑफिस छुट्टी दे दो, अब तो लेट हो गया, हाँ तुम्हारा ही अवसर लेट हुआ, अब तुम सीधी बात करोगे, तुच्छी बात जो करे, तुम रोटी खाना अच्छा बनाया, हाँ तुम तो यही कहोगे ना खाना अच्छा बना, मतलब मैं टॉन्टी समझ रही हूँ तुम्हें, मेरा खाना अच्छा बना, अब तुम कहो खाना खराब है, अच्छा मैं तो खराब हो गई, उस दूसरे दाल की खाना अच्छा होगा, मैं यूं करो को नमस्कार करता हुआ मैं असला साधना आपको करवा रहा हूँ। तो मैं बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ, भाइयों और मेरी पत्नी को छोड़ के सब बहन, तो मेरी बहन मना तो नहीं छोड़ी, जीवन में अपना साधना करवा तो रहा हूँ, गालियां मिलेगी जरूर, ये बात श्योर है, क्योंकि तुम क्या हो ये मुझे मालूम, तुम बिल्कुल ऑरिजिनल फोन है तुम्हारा, यहाँ से गाड़ी में बैठे उसके बाद देखो सारा सीट में बैठा हो धक्के मार के फट बैठ जाते आप, मजाक टीटी आप लेने लग जाते हो, बहुत मान जो होता फिर बेहतर सिद्धि मुझे, और वो टीटी को उठा के बाहर फेंक देना, बेहतर इसे बाहर फेंक कर बेहतर मिलना पड़ेगा, वो फटफड़ा तेरा टीटी कहाँ गया, टीटी कहाँ गया, टीटी कहाँ गया, और वो सब डिब्बे वाले सोचे अभी खड़ा था यहाँ रात बात कर अगले सुनने गाड़ी जाए टीटी गाड़ी वापस ले जाओ, गाड़ी वापस हमारे कितने पैसे में वापस जाने में झूले हमारे एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, पैसे एक्स्ट्रा ले नहीं रहे और टीटी गए, मैं तो फेंका नहीं सुन रहा कितने लगे मुझे भी मालूम है, फिर दूसरा टीटी बैठे उसने टिकट मांग रहा है, पिछले टिकट देख लिया तुमने, क्योंकि मैं जिन टिकट लेके बैठता नहीं हूँ, गुरु जी साफ मना किया बार बार जा रहा है गुरु जी के यहाँ, अब मैं टिकट कहाँ तक लूंगा, तो उनका रोकते कुछ नहीं, मैं गुरु जी को छोड़ नहीं सकता, गुरु जी मुझे छोड़ नहीं सकते, मेरा जाना जरूरी है और जाने से टिकट लेना पड़े, ये दोनों दुख नहीं देख सकते, इसलिए बैठूंगा जरूर बहू गाड़ी में बैठूंगा, टिकट देता नहीं, आज से लिया ही नहीं कभी और लूंगा भी नहीं, और तेरा भविष्य मुझे ध्यान है, तेरे बच्चे की तुम उसने आज क्यों गए गए बस जो तेरे बच्चे नाम वगैरह लिखे हैं और लिख दे, जो खाना पीना और तीन दिन बाकी तेरे बच्चे, क्योंकि महाराज आपको योगी सुनने गए तुम्हें पहचाना नहीं होती, टिकट मांग रहा है तुम, टिकट मांग रहा था मुझसे, टिकट मांग रहा था फिर हिम्मत है मुझसे तुम टिकट मांग, तुम तुम्हारा आ जा टिकट देना ही नहीं, कबीरा कबीरदास जी आज से 400 साल पहले कह गए, कबीरा टिकट में लीजिए, यदि टीटी भी हो टट्टी में घुस जाइए, देख सके ना को, हम क्या कबीरदास जी कह के हम क्या करें, अब ये ज्ञान जो ही देगा कौन देगा, इसलिए अब इसके बाद में भोपाल आने पड़ेगा, किराया बहुत लंबा है, अब लंबा किराया है भोपाल में किराया क्या करें, और पैसे खर्च हो जाते हैं सब, आई क्योंकि लक्ष्मी को खर्च करना ही अच्छा है, पास में रहे तो लक्ष्मी खुद मुरझा जाती है, अब बार बार टिकट दे के गुरु जी क्या, इसलिए मैं आकर टिकट जैसी जमा जिंदगी रहेंगे कट, ये चीज हमने माइंड निकाल दी, बैठना जरूर है और डिब्बे में बैठना है, उतरना है नहीं, उतरेगा तो चीटी उतरेगा, नहीं तो फिर बेकार बैठा ये पास है, टांग तोड़े तो पहले एक बार दोनों टांगे तोड़ दे, क्योंकि सुस्ता हुआ है तभी ठीक रहेगा, कंच करेगा फिर तो दोनों पास चल रहा है ना, महाकाल छोड़ महाराज शांत शांत शांत, तो कपड़ों में देख करके ले रहा है, नवे कपड़े नहीं पहने दौड़ अकड़ के तेजी के मुड़ देते भी दौड़ तो चलेगा नहीं, या फिर ट्यूट दूंगे जेब काट के जाना कर भाई, जैसे जेब काटी खड़े हो जाए ईमानदारी आप जेब काटी जेब मतलब 3000 रुपये थे और टिकट था, मैं गरीब आदमी ने क्या हुआ आप देखिए आपकी तो बाहर निकाल दी,
अब ये यहाँ के हिंदुस्तान है, ये इंडिया है, ये भारतवर्ष है, अब बना गया आप जुर्माना कर दीजिए, जेल में डाल दीजिए, नहीं जेल कर दीजिए, 3,000 रुपये थे एक पासपोर्ट थे, उससे कुछ मैं भोपाल से जाऊँगी, फिर वापिस जाने के लिए रास्ता कुछ बदल जाएगा, वो क्रिया वहाँ बताऊंगा, फिर आने जाने की सब क्रिया ऐसा नहीं होगी। तो दिन भर बिल्कुल चैन करती है, फिर दूसरे उठे रात दो बजे, और तुलसी बाबा खुद कहते हैं हम क्या करें, ये कहते जाते हैं रामायण के राम को मानते हैं, सीता को मानते हैं, तुलसी बहन को मानते हैं, और लिखा देते हैं जोड़ गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़ने के अधिकारी, तो जोड़ को जितना ताड़ोगे मारोगे उन्हें जोर से बजेगा, और पति वो चिल्लाए ठीक है आप सांस सीते रहेंगे, और तुम सारे बदमाश हो, तुम जूते मार दिए, तुम ऐसा हो, तुम क्या हो, मैं जानता हूँ, मार करके दी तुम्हारी फिर साफ करके छेद कर दिया, ऐसा कर दिया आधे पौने के बाद कर दी पानी गिलास पी, पानी गिलास पीने से आधे घंटे और गाड़ी हो जी भरा नहीं आ रहा, आनंद नहीं आ रहा, फिर गाड़ी हो फिर जाए तुम सुनते कुछ नहीं, मुझे मजाक किया जो बोले बोले दीजिए तुम सुन, और रात में जागिए मत तो जगह पर जागिए मत, और जगे तो पेट में कुछ ऐसी दवा जुलाब दे दीजिए कि बस को तकलीफ नहीं, बाप लोगों को कश्मीर से खाई बेल खाई बेल खाई बिल्कुल करो, तीन जुलाब की गोलियां मिलती है बाजार में, तो ये गोली है पेट दर्द कैसा भी और दूर हो जाता है, छह गोली एक साथ मिली, मैं तेरा पति नहीं हूँ, मैं तेरा पति मेरे बुरा तो नहीं सो सकता है, और मैंने गोली में सुनी थी और आम ले आती है आम साढ़े सब नहीं थी, तुम गोली आप ले दीजिए आप दुकान लगा दो बहुत तेज मिलती है, पूर्णानंद में गंगताजात रूप यंती कविता सदा सूर्यताम विद्युत पार पदे पूर्वनिधम पूर्व गणेशं भजे सर्वात्मा सर्वताम पतिताम सविताम सदा सूर्यताम, मैं से गणपति को स्मरण कर रहा हूँ जिनके सिद्धि सिद्धि दो पत्नियां हैं और सुख और लाभ जैसे दो पुत्र हैं वे हमारे जीवन में व्याप्त हों और हमारे जीवन में किसी प्रकार की न्यूनता नहीं रहे, ऐसे गणपति को स्मरण करता हुआ मैं आपको पहले गुरु जी से बेरा सिखा और मन को दिगान लगा जी मान तो मान आज कई कार्यक्रम संपन्न कर रहे हैं और शाम को विदाई लेनी है आपको, और फिर इसलिए मैं आज एक प्रयोग और जैसे जो पत्र आपको मुझे मिले हैं और आपके पत्रों में तो कई प्रकार की इच्छाएं प्रकट की गई हैं और स्वाभाविक क्योंकि इच्छाएं जीवन में होनी चाहिए, मैं कुछ कहता हूं जो शास्त्रों में या जो लोगों ने कहा है कि कोई मन में इच्छा विच्छा नहीं होनी चाहिए, मैं इसके खिलाफ, इच्छा भी ना पशु, पशुओं को कोई इच्छा नहीं होती, इच्छा नहीं होती इतनी प्रगति होती नहीं संसार में, इच्छाएं हो मन इच्छाएं तो हम दबाएं नहीं, मेरी इच्छा बहुत है कि मैं ये कार्यक्रम में राजनीति में सफलता प्राप्त करूं, मैं धनवान बनूं, मैं घर में सुखी हो, मेरी लड़की की शादी हो, इच्छाएं तो हैं पर दबा देते हैं, मैं सुंदर नहीं हूं सुंदर बन जाऊं, मैं रोग हो गया है रोग मृत्यु हो जाऊं, इसलिए प्रत्येक दिन नई इच्छा पैदा होती है और हम उन इच्छाओं को दबा करके या इच्छाएं जब पूरी नहीं होती है
तो बुढ़ापे की औरतों से होते रहते हैं। इच्छाएं हों तो बुरी हों और इच्छाएं अवश्य होनी चाहिए। इच्छाएं नहीं होगी तो जीवन में कुछ हो ही नहीं पाएगा। अगर मेरी इच्छाएं मर जाएंगी तो फिर जीवन में कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, ना आपको मिल पाऊंगा, ना ग्रंथ लिख पाऊंगा, ना कार्य कर पाऊंगा। मैं प्रारंभ में एक बात कहा था कि हमें दुनिया राष्ट्र कैसे याद रखेगा। याद तब रखेगा जब आपके मन में कोई इच्छा पैदा होगी। इच्छा पैदा होगी और इच्छा की पूर्ति करेंगे या कुछ ऐसा कार्य करेंगे जो देश ने कभी नहीं किया। खुराना ने एक जीन का आविष्कार किया, मालूम किया और वह नोबेल प्राइज को मिल गया उसको। और आज 6 साल से लोग जूझ रहे थे और बिल्कुल एक मानव की तरह दूसरी आकृति, दूसरा पुरुष बनाने में तैयार हो गए। उस जीन को, जिस जीन से आदमी पर्सनलिटी बनती है, ठीक वैसा ही व्यक्ति बनाने में सफल हो गए। अभी आपने इन अखबारों में पढ़ा होगा तो हिंदुस्तान के अखबारों में भी कई निकला है और अमेरिकन अखबारों में भी निकला है। हमारे मन में कई इच्छाएं ऐसी होती हैं जो मन में